बच्चा किसका ये? कौन है भाई? साहब ये मेरा बेटा है साहब। चलो साहब मैं इसे दूध पिलाने के लिए बैठा हूं साहब। ये कौन है? साहब मेरा ही है। नहीं नहीं चलो ऐसे चलो चलो ऐसे। अबे पागल है क्या, क्या कर रहा है यहाँ पे? खड़ा हो यहाँ से बच्चे को लेके। साहब मुझे बस 5 मिनट दो ना साहब, बच्चा बहुत भूखा है, इसे दूध पिला दूँ फिर मैं चला जाऊँगा, इतनी धूप में मैं और कहाँ जाऊँगा। अबे 5-5 मिनट नहीं मिलेंगे, खड़ा हो यहाँ से। और यहाँ पे सारा माहौल खराब कर रहा है, गली मोहल्ले वाले सारे देख रहे हैं, खड़ा हो यहाँ से चल। क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे देखना यार इसे, यहाँ पे बैठकर माहौल खराब कर रहा है सारा, गली मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, एक मर्द दूध पिला रहा है बच्चे को, वो भी छाती से लगा के। क्या नाम खराब कर रहा है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रहा है। अरे मैडम आप तो समझ सकते हैं ना, आप तो एक माँ हो, अब इसकी माँ नहीं है, वो गुजर चुकी है, इतनी धूप में मैं और कहाँ जाऊँ, आप खुद बताओ। भैया आप एक काम करो अंदर आ जाओ। अरे तुम पागल हो गए, कैसी बात कर रही हो, अब तुम इसको घर के अंदर घुसाओगी? तुम चुप रहो, साइड हो यार, तुम तो वैसे भी नहीं समझोगी कुछ। भैया आप अंदर आ जाओ। अच्छा भैया आप यहीं कहीं रहते हो क्या? मैडम मैं बुलंदशहर से हूँ, जब से इसकी माँ गुजरी है मेरा सब कुछ चला गया और मुझे मजबूरन दिल्ली आना पड़ा। अरे तुमने इसको अंदर तक बुला लिया, अंदर बुला के सोफे में भी बिठा दिया इसको, तेरे अंदर अक्कल वक्कल है या नहीं है, और किसी भी अनजान को तो अंदर बुला लेती है। अरे तो क्या हो गया, बाहर इतनी गर्मी है, बच्चा है उसके पास, बच्चे को वो दूध पिला रहा था इसलिए मैं अंदर लेके आई हूँ। और मेरी वक्कल वक्कल को छोड़ो, आप जाके अपना फोन चलाओ, आपको वैसे भी कोई काम नहीं है बिना फोन के। गया वो तो यहाँ पर मेरे 10,000 रुपए रखे थे। ये रखे तो हैं। ये तो 5,000 रुपए हैं। मैंने कहा था ना उसको घर में मत घुसाओ, ले गए ना 5,000 रुपए, करा दिया सुबह सुबह नुकसान मेरा। मैंने तुम्हें कहा था ना किसी अनजान व्यक्ति को ऐसे घर में मत घुसाया करो, लेकिन तुम होगी मानती नहीं हो, हो गया ना नुकसान सुबह सुबह 5,000 रुपए का। तुम यहाँ? हाँ मैडम। वैसे ना तुमने उस दिन अच्छा नहीं किया। मैंने क्या अच्छा नहीं करा मैम? तुमने मेरे यहाँ से 5,000 रुपए चोरी किए थे ना। मैडम आपको ना कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आपके घर से कोई पैसा चोरी नहीं करा। वैसे मुझे यहाँ से कोई सब्जी लेनी नहीं है। मैडम मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मैंने कोई चोरी नहीं करी है, आपको गलतफहमी हुई है। अब आप ही बताओ मैं ये साबित करने के लिए क्या करूँ कि मैंने आपके यहाँ चोरी नहीं की। कोई बाप अपने बेटे की कसम झूठी नहीं खाएगा, मैं अपने बेटे की कसम खा के कह रहा हूँ मैंने आपके यहाँ से चोरी नहीं की। मार मार मार, बंदा बंदा देख, सामने बंदा है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कौन सा झूठ बोला तुमसे? कि वो आपके पैसे चुरा के लेके गया है। मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप इतना बड़ा झूठ बोलोगे मुझे नीचे दिखाने के लिए। वो पता है कितना लाचार है, उसकी बीवी नहीं है, उसका छोटा सा बच्चा है, मतलब आज तुम ऐसा उसके साथ कर रहे हो, कभी भगवान ना करे हमारे साथ ऐसा हो, फिर हमारे भी बच्चे हो गए आगे चल के। एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप ना अपने बच्चे के लिए लाचार हो सकते हैं पर चोरी कभी नहीं कर सकते। रारी 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 रारी।